हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में खेड़ा देवत और कुलदेवी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठित हवन आयोजन किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि ये विश्वविद्यालय उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। वहीं उन्होंने हुड्डा पर नौकरियों को लेकर प्रहार करते हुए कहा कि कौन सी दुकान पर नौकरियां मिलती है वो बताए, हम भी वहां से नौकरियां लेकर आएंगे। बीजेपी की सरकार ने जहां पर्ची और खर्ची की रीति रिवाज को समाप्त कर दिया है, वहीं पहले युवा अपने गहनों और जमीनों को दाव पर लगाकर नौकरियां प्राप्त करते थे। कई बार माता पिता की जमीन भी नौकरियों के चक्कर में बिक जाती थी, लेकिन अब ये सब खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि कौशल विश्वविद्यालय 2030 तक 12,000 विद्यार्थी एक साल में अपने रोजगार प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जो 75% प्राइवेट उद्योगों में नौकरी की बात कही गई है वो उद्योगपतियों पर थोपी नहीं गई है, बल्कि जो युवा नौकरियों के लिए सक्षम होगा उसी को रोजगार दिया जाएगा। नई एजुकेशन पॉलिसी में अब शिक्षा के साथ कौशल विकास को भी जोड़ दिया गया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं पृथला के विधायक नयनपाल रावत और पलवल से विधायक दीपक मंगला, हतीन से विधायक प्रवीण डागर और होटल के विधायक जगदीश नायर भी मौजूद रहे। आपको ये जो विश्वविद्यालय के परिसर में मंदिर की स्थापना की गई है और यहाँ बहुत एक पवित्र भाव से हवन यज्ञ किया गया है और निश्चित रूप से यहाँ कामना की गई है कि विश्वविद्यालय दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे और विशेष तौर पर दुधौला गांव के निवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। एक इस प्रकार का परिसर ये विश्वविद्यालय न केवल हरियाणा का बल्कि देश का एक पहला विश्वविद्यालय है जिसमें कौशल विकास के छाया को एक प्रकार से मूर्त रूप दिया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है और आत्मनिर्भर भारत तभी हो सकता है कि जब देश की 130 करोड़ जनता कौशल विकास के माध्यम से अपने आप को रोजगार के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ा करे और रोजगार प्राप्त करने के लिए शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास का होना बहुत जरूरी है। कौशल विकास यानी एक हुनरमंद आदमी को उसको कला आनी चाहिए, हुनर आना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ कुछ करने की भी उसको कला और सीख ये मिलनी चाहिए ताकि जीवन में एक अपने जीवन यापन के लिए सरल तरीके से रोजगार पा करके वो आगे बढ़ सके। तो इस विश्वविद्यालय के यहाँ बनने के बाद इस गांव के लोगों को, इसके आसपास के लोगों को बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला है। हजारों युवक हमारे हर साल कौशल विकास के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। बढ़ते प्रदूषण को लेकर उन्होंने कहा कि इसको लेकर सभी चिंतित है, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। ये एक ऐसा संकट है जैसे कोरोना संकट के रूप में आया था। उस संकट में सब लोगों ने मिलकर उसकी लड़ाई लड़ी और अब उससे बाहर निकल आए हैं। ये प्रदूषण भी उसी तरह है, हम सबको इससे मिलकर लड़ना होगा। प्रदूषण बढ़ने के कई कारण हैं, जिनमें उद्योग और व्हीकल भी शामिल है। इसके अलावा हरियाणा में पराली जलाने का जो चलन था वो बहुत कम हो चुका है, ये जीरो हो जाए इसके लिए जागरूकता भी की जा रही है और किसानों को एकड़ के हिसाब से 1,000 रुपए हरियाणा सरकार दे रही है और हरियाणा में ऑड इवन की बात भी चल रही है जिसको जल्दी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आधार आदेश दिए हैं तो सरकार ने उद्योग और स्कूलों को भी बंद किया है ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर असर ना पड़े।